हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ दिस सेकंड हैंड गैरेज। तो आज हम रिव्यू करेंगे टोयोटा एटियोस, इट्स अ पेट्रोल वेरिएंट। सो ओवरऑल लुक की बात करें तो नो डाउट इट्स अ गुड लुकिंग सेडान। ये कार भी आपको 3 to 4 lakhs इन बिटवीन सेकंड हैंड मार्केट में मिल जाती है। अगर न्यू प्राइस की बात करें तो 8.5 to 9 lakhs इस वक्त इसका ऑन रोड प्राइस है। गाइस, अगर स्पेस की बात करें तो इस स्पेसियस कार 3 पर्सन कैन सिट इजिली विदाउट एन इशू ऑफ लेग रूम। फ्रंट में भी आपको सीटिंग पोजीशन अच्छी मिल जाती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। स्पीडोमीटर इसका सेंटर में दिया हुआ है जो कि और कारों से डिफरेंट है। पर्सनली मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बट एवरीवन हैज इट्स ओन चॉइस। सो गाइस, बूट स्पेस की बात करें तो ये इस कार का एक प्लस पॉइंट है क्योंकि बूट स्पेस इसका बिग है। आप इजीली 4 to 5 लगेज रख सकते हैं विदाउट एनी इशू। राइट नाउ आई हैव वी वेरिएंट जिसमें आपको एलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं विच आर वेरी स्टाइलिश एंड लुकिंग गुड। सो गाइस, वन थिंग आई जस्ट हेट अबाउट दिस कार वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी इसकी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है। डोर्स ओपन एंड क्लोज करने में एकदम लाइट फील मिलता है। मोस्टली ऑन दी रोड आपने देखा होगा जो फेंडर और डोर के बीच में जो गैप है, यहाँ पर आपको ज़रूर डेंट ज़रूर मिलेगा क्योंकि इसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं दिया। अगर कोई भी पर्सन आपकी कार के साथ सपोर्ट लेकर स्टैंड होता है तो डेंट पड़ जाता है, और माइनर कोलिजन की वजह से भी डेंट ईजिली पड़ जाते हैं। अगर 3 to 4 lakhs के बजट में और कार से कंपेयर करें लाइक होंडा सिटी, वेंटो, स्विफ्ट डिज़ायर, तो इस कार की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा लाइट है। सो नाउ कम टू द राइड क्वालिटी। राइड क्वालिटी ऑफ दिस कार इज़ प्रीटी स्मूथ, स्टेयरिंग इज टू लाइट। बाकी अगर क्लच और गियर की बात करें तो क्लच और गियर लिटिल हैवी है इसका, बट नॉट अ बिग इशू। जिस तरह कार की बिल्ड क्वालिटी लाइट है उसी तरह कार की राइड क्वालिटी भी लाइट है। आपको बिल्कुल फील नहीं होता कि आप एक बिग सेडान का ड्राइव कर रहे हैं। गाइस, अगर मेंटेनेंस की बात करें तो एक ये लो मेंटेनेंस कार है क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट ईजिली आपको मार्केट के अंदर मिल जाते हैं और जो कॉस्टली भी नहीं है बिल्कुल। गाइस, वन थिंग आई जस्ट लव अबाउट दिस कार वो है इसकी परफॉर्मेंस प्लस एवरेज। एवरेज इसकी आपको 16 के अराउंड मिल जाती है इन पेट्रोल, और परफॉर्मेंस की बात करें तो इनिशियल पिकअप बहुत बेटर मिलती है। पिकअप रिस्पॉन्स इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको परफॉर्मेंस के अंदर ड्रॉप बिल्कुल नहीं मिलता। सो गाइस, एट दी एंड मैं ये कहना चाहूँगा इट्स अनदर बेटर ऑप्शन एज ईजली अवेलेबल बिटवीन 3 to 4 lakhs इन यूज कार मार्केट, ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस एज कम्पेयर टू न्यू वन। बट अगर आप मोर स्टेबिलिटी और कम्फर्टेबल कार चाहते हैं तो देयर आर अदर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। सो बिफोर लीव, मच लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज देयर आर मोर यूज कार रिव्यूज कमिंग सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।